राम राम, जय हिंद। स्वागत एक बार फिर से इन डिफेंस अकेडमी में। तो अपने पास जैसे कि बताया यार, ग्राउंड की फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से बातें भी तुम लोग सुना देते हो। खैर, उसका तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो धूप है, कोई दिक्कत नहीं है, कि कैसे हमें मतलब एक पॉस्चर क्या होता है जिसकी वजह से हमारी रनिंग और बेहतर हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो छोटी छोटी चार पाँच चीज़ें, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो बहुत सही रहेगा। सबसे पहला होता है अपर बॉडी का पॉस्चर। अपर बॉडी का पॉस्चर मतलब ये होता है, किसी किसी का बॉडी टाइप इस तरीके का होता है कि उसका ये बेंड होता है, और जब वो रनिंग करता है तो फिर उसमें उतना फोर्स नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपका जो ये लंग्स है, जब आपने ये कर लिया तो ऑलरेडी आपका लंग्स एक्सपेंड हो ही नहीं रहा, और लंग्स एक्सपेंड नहीं हो रहा मतलब चेस्ट आपका बढ़ेगा नहीं, एक्सपेंड नहीं करेगा, तो आप सही से ब्रीथ कर ही नहीं पाओगे, ऑक्सीजन ले ही नहीं पाओगे। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इस पॉस्चर को ठीक करके स्ट्रेट आना, ये बिल्कुल आगे नहीं कर देना लेकिन स्ट्रेट आना है, ताकि आपका चेस्ट ऑलरेडी ओपन अप हो, ताकि आप आराम से ब्रीथ कर पाओ। पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी। दूसरा होता है आपके जो ये हाथों का मूवमेंट होता है। अब किसी किसी का क्या होता है कि हाथों का मूवमेंट क्या होता है, ये ठीक है, ये जब वो रनिंग करते हैं तो इधर हाथ जा रहा है, इधर हाथ जा रहा है, तो इससे क्या होता है, इससे भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है आपकी रनिंग स्पीड को मेंटेन करने में। तो हमेशा हाथ आपका ये सामने जाना चाहिए, और बहुत स्पीड में, ठीक है। जब भी आप स्पीड रनिंग करते हो तो ये हाथ आगे, ना कि ये मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट अगर ये हुआ तो आपकी स्पीड में काफ़ी ज़्यादा रोक लगेगी। ये छोटी छोटी टेक्निक है जिसकी वजह से आप स्पीड में दौड़ सकते हो। अगली बात यहाँ पर क्या होती है, अगली बात यहाँ पर होती है पैरों पर, नीचे करो जरा, ठीक है। पैरों पे क्या होता है कि जब हम ये रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा आपके पैर ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। जब भी आप रनिंग करते हो तो आपके पैर ये आने चाहिए, ये इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि आपको रैंप वॉक नहीं करना है, आपको रनिंग करनी है। तो हमेशा क्या करोगे, पैरों को ये इसके पैरेलल जाने दोगे। अब कुछ लोगों का होता है कि एक पैर यहाँ जाएगा, एक पैर यहाँ जाएगा, ये खासकर होता है लड़कियों के साथ। तो ये गलती तुम्हें नहीं करनी है, पास आ जाओ, ठीक है। तो ये गलती तुम्हें नहीं करनी है, हमेशा पैरों को क्रॉस फोल्ड करके नहीं चलना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है। चीज़ें समझ में आ गई। अब अगली बात यहाँ पे क्या है, अगली बात यहाँ पे यह है कि जब भी ये ध्यान रखना, जब भी तुम लोगों को ये लगता है कि हाथ पैर भर रहे हैं, खासकर हाथ अगर शोल्डर पे कभी हो जाता है, कभी बैक पे हो जाता है कि हाथ भर रहे हैं, या फिर हम कहें कि दिक्कत हो रही मतलब दौड़ने में थोड़ा सा हाथों के मूवमेंट में, तो कब हमेशा जब भी रनिंग कर रहे हो तो क्या होता है, बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है जब लॉन्ग रनिंग करते हो। तब तुम्हें क्या करना है, जैसे रनिंग कर रहे हो तो हाथों को खाली छोड़ दो, ठीक है, ये छोड़ के सीधे से दौड़ने लगो। मतलब कि अभी तो आप हाथ को थोड़ा सा होल्ड किए हो ना, तो हाथों में क्या है, मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन जब आपके हाथ भर गए हैं उस समय क्या करना है, फ्री छोड़ दो हाथों को, हाथों को फ्री छोड़ दिया, अब आराम से रनिंग करते हुए जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक दो चक्कर मारोगे वापस से चीज़ें सही हो जाएंगी और वापस अपने मूवमेंट पर आ जाओ। ये बात समझ में आ गई। अगली बात यहाँ पर यार ये आती है कि हमारी ब्रीदिंग, ये पास ऑफ पास मिल जाते हैं हमारी ब्रीदिंग। अब देखो ब्रीदिंग का क्या है, अगर मान लो आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस आपने नहीं की है, तो आप अगर हम बोलें मुंह भी खोल लो, नाक भी खोल लो, और दोनों से सांस ले रहे हो, तो उससे होगा क्या, अगर मुंह और नाक दोनों से सांस लोगे तो उससे ये होगा कि बहुत जल्दी थक जाओगे, क्योंकि इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। तो सबसे पहली एडवाइस यही है कि जब भी ब्रीथ करना हो तो सिर्फ नाक से करो, मुंह को बंद रखो। अब बात आती है कि आखिरी के चक्कर में जो सांस टूटने लगती है उसका क्या करें, तो उसके पहले का जो चक्कर होता है, मान लो पाँच करने, तो चौथे वाले में थोड़ा सा रुक के पूरी सांस अंदर लिए पूरी बार, और फिर अपना दोबारा से रनिंग स्टार्ट की, आखिरी चक्कर सांस अंदर लेते हुए जैसे ले रहे थे, दोनों से मुंह और नाक से, तब से दोनों से ले सकते हो आखिरी चक्कर में। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपकी रनिंग का पोस्चर सुधार के आपको स्पीड रनिंग करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।